अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज बाबू और पिस्तौल मैं आपका दोस्त बाजवा जी। जी। रमजान चल रहा है तो इसलिए माशाल्लाह। हम वीडियोस नहीं थे बना रहे, और काफी कमेंट्स आए कि भाई इसको रिएक्ट करें इसको रिएक्ट करें, लेकिन रमजान की वजह से म्यूजिक वीडियोस के ऊपर हम रिएक्ट नहीं कर सकते। सो हमने डिसाइड ये किया है कि कुछ जो इंडियन न्यूज़ हैं उनके ऊपर हम वीडियोस बनाएंगे, या फिर कुछ इस्लामिक कंटेंट के ऊपर हम वीडियोस बनाएंगे रमजान में। उसके बाद हम म्यूजिक के ऊपर आएंगे इंशाल्लाह जी ईद के बाद। अपनी जॉब पे जी आएंगे बिल्कुल, आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं फूड प्राइसेस ऑफ इंडियन कश्मीर, कश्मीर शॉकिंगली लोअर देन पीओके यानी पाकिस्तान। पाकिस्तान इंक्रीजेस फूड पाकिस्तान प्राइस इन इंक्रीजेस फूड प्राइसेस इन पीओके। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में तो हर चीज़ का रेट इस जी टाइम बिल्कुल। अप पे रमजान है में जब बहुत ज़्यादा अफसोस की जी, बात है कि लेकिन जब ये रमजान आए, ये हाँ रमजान आते ही जो चीज़ें सिंगल होती हैं वो डबल हो जाती हैं। ठीक ऐसे ही है, ऐसे ही ऐसे ही मतलब कि भाई हर चीज़ डबल में हुई हुई है, कोई भी बिल्कुल। चीज़ है, ख़ास तौर पे जो फ्रूट है। ठीक जी जी है, जी 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 और देखते हैं फिर वहाँ पे क्या चल रहा है। जी अगर बिल्कुल, उससे डिफरेंस पहले देखा जाएगा कि उधर क्या रेट है और इधर। वैसे करेंसी का भी फ़र्क जी है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी समझ आ जाएगा कि भाई ज़्यादा है या कम है। स्टार्ट करते हैं वीडियो, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए नए हैं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और और बेल बेल आइकन आइकन को को भी ज़रूर ज़रूर दबाएं ताकि दबाएं। अगली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। स्टार्ट स्टार्ट करते हैं करते हैं, वीडियो। थोड़ा म्यूजिक डे आउट इन कश्मीर फूड मार्केट। मूली ले ले, गाजर ले ले, गोभी ले ले। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम, खैर मकदम है आप सबका टीआरके न्यूज़ पर। तो हमें खबर आई है कि माह रमजान के मुबारक मौके पर पाकिस्तान में जो है फूड प्राइसेस 45% इंक्रीज हो चुकी हैं। ये बहुत ही फोर्टी अफसोस फाइव की बात परसेंट है। और मैं इस वक्त पहुंची हूँ भारत के कश्मीर के सब्जी मंडी में, और हम यहाँ पर पता करेंगे कि क्या यहाँ भी माह रमजान में, कश्मीर में भी, भारत के कश्मीर में भी क्या सब्जियों के रेट्स इंक्रीज हुई है। क्योंकि ये एक जुल्म की बात है दोस्तों, बहुत ही अफसोसनाक बात है कि जो हमारे मुसलमान भाई बहन पीओके में हैं वो किस कदर महंगाई के नीचे दबे हुए हैं, और उनकी ये जो तकलीफ है वो हमसे देखी नहीं जाती। तो हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे कि क्या भारत के कश्मीर में भी क्या ऐसे ही हालात हैं कि यहाँ भी प्राइसेस जो हैं सब्जियों की वो इंक्रीज हो चुकी है, या सेम है, या घट चुकी है। हम यहाँ पर कुछ सब्जियों की प्राइसेस और फूड रेट्स पता करते हैं यहाँ के शॉपकीपर से बात करके। तो आइए हम सब्जी मंडी के कुछ नज़ारे भी देखते हैं और लोगों से बात भी करते हैं। चलिए मेरे साथ। ये कश्मीर का बाजार है, लग पाकिस्तान ही रहा है, कोई फर्क नहीं लग रहा। हाँ बस खेले सोरे मोटे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। माह रमजान मुबारक छुई। खैर मुबारक। तो बहका तो एक सवाल पूछे। तो अस्करा उर्दू मज़ेकात क्या इसकी सॉरी बोजन एंड ये मंशना काशिर कागा की। ओके, तो आप मुझे बताइए कि ये बटमालू सब्जी मंडी है श्रीनगर का, आप मुझे बताइए कि यहाँ पर ये आलू का क्या प्राइस है, इस प्याज का क्या प्राइस है, जरा बताइए। ये आलू है व्हाइट वाला, जलंधर वाला, ये बेचते हैं 100 का 6 किलो, हो गया 1,650 रुपये। साढ़े सोलह रुपये हाँ साढ़े यार यहाँ पे तो 50 रुपये किलो। ये वही आलू है ना जिसको चाइना आलू बोलते हैं जी यहाँ जी पे, हाँ सफेद बिल्कुल, आलू, और मीठा आलू जिसे कहते हैं। मीठा आलू बोलते हैं हाँ तो बिल्कुल। ये 1,650 रुपये किलो किलो उधर है तो यहाँ यार, अगर पे करेंसी का भी हिसाब लगाया जाए तो 16 को अगर डबल कर दिया जाए, 32 और 8 उसमें ऐड कर दिए जाए, 40 रुपये किलो उस हिसाब से बनता है पाकिस्तान में। जी लेकिन यहाँ पे रेट काफ़ी नमकीन आई। मिल रहा है यहाँ पे, वाइट नहीं अभी आया जी है, बिल्कुल नमकीन बिल्कुल मिल रहा है बिल्कुल। वो। और प्याज है ये नासिक वाला, ये बेचते हैं 100 का 4 किलो, हो गया 25, 25 रुपए के जी। हाँ 150 रुपए किलो। टमाटर का प्राइस बता दीजिए जो यहाँ पे इतने फ्रेश और इतने ये फ्रेश टमाटर जो दिखा। टमाटर 100 का 3 किलो, समझो 30 रुपए सौ का से एक तीन दो रुपया किलो ऊपर है, तो 30-32 रुपए किलो होता है टमाटर। जी। आप मुझे बताइए क्या माहे रमजान में कश्मीर में आपको ऐसे लग रहा है कि सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं? सब्जियों के दाम तो बढ़े हैं, लेकिन आप आ रहे हो यहाँ पे, लेकिन जाना चाहिए मंडी में होलसेलर के पास। हम तो 2 रुपया 3 रुपया के मालिक हैं, वो तो बड़ा घोटाला मंडी में जा रहा है। जी, लेकिन फिर भी आप अपने ही प्राइस के हिसाब से बताइए कि रमजान से पहले क्या रेट्स कम थे और रमजान में रेट्स बढ़ चुके हैं? कुछ आइटम में सेम रेट है, कुछ आइटम में बढ़ गया है रेट। और कितना ज्यादा बढ़ा है, अगर बढ़ा भी है तो हाँ, मतलब जैसे मटर है ये रमजान से पहले था
100 का 4 किलो 25 रुपए किलो, आज है ये 80 रुपए किलो। अच्छा, 80 हो गया। वैसे ही बीन है, ये था रमजान से पहले 30 रुपए किलो, ये आज है 70 रुपए किलो। ये कौन सी सब्जी बताइए? बीन, राजमा। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ भी प्राइसेस इंक्रीज हुई है, अलबत्ता इतनी भी नहीं जितनी कि हमारे जो भाई बहन उस पार हैं वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा। क्या आपको पता है कि पार के जो हमारे भाई बहन हैं वो भी मुसलमान हैं, वो भी रोजेदार हैं माशाल्लाह, लेकिन क्या आपको पता है कि वहां पर प्याज 140 रुपए किलो और टमाटर लगभग 150 रुपए किलो के लिए। आपने सुना वहाँ का रेट इतना बढ़ गया? दिल्ली में मैंने सुना रेट बढ़ गया है जी। नहीं, मैं पार वालों की बात कर रही हूँ, वो भी हमारे जैसे जो हैं, वो भी जी, आप ये माइक ले लीजिए। तो जो पार वाले वो भी हमारे, वो भी कश्मीरी हैं, हालांकि वो कश्मीरी बोलते नहीं है वो, मगर वो है तो इसी रियासत के। उनके साथ भी, उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, उनकी यहाँ जो है सब्जियों के रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। आप सोचिए 150 रुपए टमाटर जी, तो की रेट आसमान हो गए। तो आपके वो भी रमजान में तो और भी बढ़ा दिया है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे उनकी गवर्नमेंट को कि किस तरह वो सब्जियों के रेट कम करे लोगों के? जिस तरह यहाँ होता है माह रमजान में उतना मुनाफा हम रखते ही नहीं जितना रखना चाहिए। हम 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए रखते हैं अपने लिए, उनको भी ऐसा ही करना चाहिए। और वहाँ की गवर्नमेंट भी पहले ये सोचना चाहिए कि ये माह मुबारक है, बरकतों का महीना है, इसलिए इनको ये सोचना है जैसे हम कमाते हैं 2-3 रुपए, उनको भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन वो मतलब आप कह रहे हैं मुनाफा कम होना चाहिए, होना चाहिए। कोई और तरीका नहीं है जिससे वहाँ पे सब्जियों की रेट्स उन बेचारों को कम हो? तो गवर्नमेंट बतानी चाहिए, वैसे आम गरीब इंसान कैसे बचेगा? वो अमीर की बात छोड़ो, जो 70-80 लाख रुपया कमाता है महीना उसकी बात छोड़ो, जो 400-500 दिन में कमाता है शाम को खाता है उसका सोच रहा है, वही तो गवर्नमेंट को उस पर कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो भाई हैं यार, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बिल्कुल यार, मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ कि यहाँ वहाँ पे तो 100 रुपये में 2-3 किलो चीज़ मिल रही है, यहाँ पे तो 200 रुपये में 1 किलो चीज़ मिल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है सब्जियों पे है। ठीक है भाई, 1000 रुपये की वैल्यू 100 रुपये पे आ चुकी है। और फ्रूट जो है वो 300-400 से कम किलो नहीं मिलता है। ये हम पाकिस्तान के लिए कुछ बुरा नहीं बता रहे आपको, लेकिन रियलिटी यही है, हकीकत यही है पाकिस्तान में कि इस टाइम जो कंडीशन है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत बुरी चल रही है। बिल्कुल, और इस चीज़ का हम छुपाएं भी तो पूरी दुनिया को इस टाइम पता चल चुका है। बायकॉट चला था 2-3 दिन के लिए, लेकिन वो इतना बायकॉट से क्या होगा यार, 2-4 लोग अगर नहीं खाएंगे तो उनको क्या फर्क पड़ेगा? ये बात ठीक है, लेकिन ये तो बिकेगा। बिल्कुल, जरूरत की चीजें हैं भाई, बिकेंगी। बिल्कुल, ये तो 2-3 दिन वैसे ही पड़ी रहे तो इन्होंने खराब हो जाना है, ये कौन सी स्टॉक हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पटमालू सब्जी मंडी में उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पाकिस्तान की आवाम का ख्याल रखना चाहिए, खास करके जो हमारी रियासत की का हिस्सा है उस तरफ, उनके लिए जो मुनाफा होता है सब्जियों पर वो कम होना चाहिए, खास करके माह रमजान में, ये इनका कहना है। अच्छा, वैसे एंकर की उर्दू बड़ी खालिस है। बिल्कुल ठीक है, बड़ी खालिस उर्दू, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान से है वो है। और जाहिर सी बात है कि हमें बुरा लगता है हमारे वो जो रोजेदार भाई बहन है वो किस तरह इन्फ्लेशन और महंगाई के तले दबे हुए हैं इस वक्त। चलिए हम और पता करते हैं कि यहाँ पर आटे चावल दाल और इन सब चीजों की रेट्स क्या चल रही है। तो नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं चिकन सेलर के पास इसी मार्केट में, अब हम इनसे पता करते हैं कि चिकन की क्या प्राइसेस चल रही है कश्मीर में। अस्सलाम वालेकुम जनाब, माह रमजान मुबारक शुरू साहब ने, मुझे आपसे वैसे यहाँ पे चिकन का क्या रेट है? तकरीबन 600 से ऊपर है, 600 रुपए किलो। ये पूछना था हम जरा अस्करा उर्दू मस्कात, मुझे आपसे पूछना था कि चिकन की इस वक्त क्या रेट्स चल रही है? इस वक्त तो 130 चल रही है बॉयलर की, 140 चल रही है पैरेट की, 100 रुपए लेयर की, 130-140 आज तो डाउन है, आज से 10 रुपया उतर गया देसी, देसी की बाजार आज डाउन हो गया। अच्छा, बेसिकली रमजान में प्राइसेस उतरे हैं या बढ़े हैं? इसमें कोई भरोसा नहीं होता,
फिलहाल तो वही है, एक दो दिन में देखेंगे क्या रहेगा। फिलहाल वही है जैसे पहले था रमजान। तो 40 एक 150 130 140 आम रेट थे। मुझे आपको पूछना है कि बॉर्डर पार जो है वहाँ 750 रुपए किलो है चिकन का, वो भी माह रमजान में। हाँ, कहीं कहीं तो आप क्या कहना चाहेंगे वहाँ की गवर्नमेंट को कि चिकन के प्राइस कैसे कम कर सकते हैं वो, ताकि वहाँ के लोगों को जो है जो बॉर्डर पार है ना उस तरफ की रियासत जो है हमारी रियासत जम्मू कश्मीर जो उस तरफ है। अच्छा, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जा रहा, बॉर्डर पार कहा जा रहा है, पाकिस्तान का नाम बिल्कुल नहीं लिया जा रहा। उनके यहाँ पे 750 रुपए किलो है चिकन, तो जाहिर सी बात है वो भी रोजेदार हैं और ऐसे माहौल में उनको इतनी महंगाई उन पर हो रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि कैसे वो रेट्स कम करें चिकन का। तो हम तो अपनी स्टेट की बात कर रहे हैं, हमें तो उधर के मॉल में वहाँ कैसे पे पहुँचते हैं क्या पहुँचते हैं, हम तो अपने स्टेट की अपने मुल्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपका कौन सा मुल्क है? हमारा तो थोड़ा इंडिया है। अरे वाह जियो। चलो तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ये क्या कह रहे हैं कि हम अपने स्टेट की बात करेंगे, हमें कुछ पता नहीं है कि वहाँ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। लेकिन क्योंकि हम न्यूज़ बिजनेस में हैं तो हम ये चीज़ समझते हैं और जानते हैं कि वहाँ हमारे भाई बहन जो है माह रमज़ान में जो है उन पर कितनी तकलीफ हो रही होगी, उनको इतनी महंगाई में 750 रुपए केजी चिकन, जबकि यहाँ पर सिर्फ 150 तक केजी चिकन मिलता है। शहबाज शरीफ परेशान नहीं है, बाजी बहुत परेशान। बिल्कुल ये बात ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान लग रही है मुझे। पूरा फुल चिकन मिलता है, तो ये कुछ चीजें हैं। अब आइए हम आटे दाल आटे चावल की प्राइसेस पता करते हैं इस मार्केट में। आटे की बात सुन के देखो कुछ जहाँ पे जो जैसा चल रहा है आजकल। हाँ आज 2023 के माह रमजान में क्या प्राइसेस चल रहे हैं, आटे का क्या प्राइस है? आटे का अभी 32 रुपीस पर केजी। और क्योंकि अच्छी ना आटा भाई दोबारा बताना कितना प्राइसेस चल रहे हैं, आटे का क्या प्राइस है? आटे का अभी 32 रुपीस पर केजी। पर केजी यहाँ पे क्या प्राइस है इस टाइम आटे की? पर केजी 160 से भी ऊपर है जो खालस आटा वाइट है, 160 रुपए किलो जी। और फ्री दे रही है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 5 गुना ज्यादा प्राइस है। फ्री दे रही है लेकिन जिनका हक है उनको नहीं मिल रहा, ये भी बात। हाँ बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे हैं जो चार चार पांच पांच बोरियां लेके जा रहे हैं, उनको लगता भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, और कुछ लोग ऐसे हैं, और ये भी मैंने सुना कि ये बहुत बड़ा बिजनेस है जी भाई, जो ठेकेदार हैं गवर्नमेंट के वो मंगवाते ज्यादा हैं लेकिन देते कम है भाई, ऐसे ही होता है, इस तरह ही चल रहा है, वहाँ भी दबी जा रही है, बाकी और तो कुछ भी नहीं है। और क्योंकि अच्छे ना आटा खिवान के ज्यादा हम ज्यादा खाते हैं चावल और ये सारी चीजें, तो आप चावल का भी रेट बता दीजिए क्योंकि कश्मीरी चावल ज्यादा नहीं, कश्मीरी ज़्यादा नहीं चलता है, इधर बाहर का ही चलता है ज़्यादा, तो वो पर केजी आता है 28 रुपीस। पर केजी 28 रुपीस। क्या आपको अंदाज़ा है कि जो रियासत जो पार है, हमारी जो रियासत एक हिस्सा पार में है, वहाँ पर माह रमज़ान में वहाँ के जो लोग हैं वो महंगाई से लाचार हैं, और वहाँ पर आटा जो है 150 रुपये केजी में बिक रहा है और चावल जो है 450 रुपये केजी। बिल्कुल, तो क्या आप वहाँ की गवर्नमेंट को कुछ मैसेज दे सकते हैं कि किस तरह से रेट कम किए जाए ताकि वहाँ के लोगों को थोड़ी राहत मिले, खास करके माह रमजान में? मतलब ये जो हमारा हमसाया मुल्क है आप उसकी बात कर रहे हो? जी नॉट हमसाया मुल्क, बट जो हमारी रियासत का हिस्सा उनके पास है, मैं उस पीओके की बात कर रही हूँ जो वहाँ पे लोग लाचार हो चुके हैं महंगाई के अंडर, उनकी बात कर रही हूँ कि वहाँ पे रेट्स कैसे कम किए जाए, वो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एक्चुअली उधर जो गवर्नमेंट है उनको देखना चाहिए कि असल में लोगों का फायदा कैसे हो जाएगा, क्या करना है। अभी मैं इधर की बात बोलूंगा, अभी तेल में रेट उतर रहा है, हाँ जी तेल में रेट उतर रहा है और लोग भी खुश हो रहे हैं, अभी कम से कम 15 किलो वाले टीन में अभी 300-400 रुपए अभी कम हो रहा है, तो इससे लोगों को भी फायदा हो गया, लोग खुश हो रहे हैं, पब्लिक खुश हो रही है, तो हम भी खुश हो रहे हैं। नहीं उतरना चाहिए, कम होना चाहिए इसमें। आपको लगता है कि माह रमजान में कम किया गवर्नमेंट ने रेट, या बढ़ गए या उतने ही है जितने माह रमजान से पहले? माह रमजान में तो रेट तो उतर रही है, खाली थोड़ा बहुत वो डेट्स का रेट चढ़ गया खजूर का, तो बाकी उतर रहा है रेट, क्योंकि वो तो हम इम्पोर्ट करते हैं शायद उस वजह से। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल।
थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमें। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेट्स हैं वो किस कदर हमारे कश्मीर में कितनी सस्ती चीज़ें मिलती हैं, चाहे आप आटा दाल चावल की बात करें, सब्जियों की बात करें, फिर आप चिकन की बात करें, तो ये सारी चीज़ें जो है नेसेसिटीज़ हैं रोज़ेदारों के लिए, ख़ास करके उन पर ऑलरेडी जो है गर्मी के मौसम में इस वक्त इस साल जो है रमज़ान आया है और गर्मी के मौसम में ऑलरेडी वो रोज़े रख कर वो जो है उन पर ऑलरेडी इतनी मशक्क़त है, ऑन टॉप ऑफ इट उनको इस तरह महंगाई के नीचे उनको इस तरह से दबा के रखना, ये बहुत ही गलत कर रही है जो हमारे पार की जो गवर्नमेंट है, हमसाए मुल्क की गवर्नमेंट है, ये लोगों के साथ बहुत ही जुल्म और ज़्यादती हो रही है माह रमज़ान में। और जैसे आपने सुना कि कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि वहाँ के लोग जो है उनको थोड़ी सी राहत मिल जाए और गवर्नमेंट उनके लिए कुछ करें। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, जय कश्मीर जय हिंद। भाई वैसे कर दिया यार, ज्यादती तो है बहुत ज्यादा हद तक है, और ये सिर्फ पाकिस्तान की अगर बात करें तो सिर्फ कश्मीर के साथ ही नहीं, पूरे पाकिस्तान के साथ, पूरे पाकिस्तान में सेम रेट चल रहे हैं, सेम प्राइसेस हैं हर शहर में, कहीं पे ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता, 10-20 रुपए का फर्क है, हाँ, जितना उन्होंने बताया उससे ज्यादा ही है, डबल ट्रिपल यार, बिल्कुल नहीं, जो उनको मतलब इन्फॉर्मेशन मिली हुई, जैसे वो 150 रुपए किलो बता रहे हैं आटे का रेट, लेकिन यहाँ पे 160 चल रहा है, तो वैसे ही यहाँ पे रेट काफी ज्यादा है। बाकी ये तो हमारी गवर्नमेंट को ही सोचना चाहिए कि भाई क्या करना चाहिए, रिएक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, हाँ थोड़ा सा जीप फील हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।